अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब बोटियों के। हमारे घर में बोटी के ही शामी कबाब बनते हैं और बहुत लजीज बनते हैं। इसके लिए चाहिए आधा किलो बीफ बोनलेस, 3 टेबलस्पून इमली, हरा धनिया, पुदीना आधी आधी गड्डी, 15-20 हरी मिर्चें चाहिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई और ज़ीरा और गरम नमक, ये 1-1 टेबलस्पून है, जबकि गरम मसाला और सौंफ जो है वो हाफ हाफ है। 2 कप मैंने चने की दाल धो ली है, इसको भिगोया नहीं है और इसको मैं डायरेक्ट कुक कर रही हूँ, कुकर में इसको बना रही हूँ। अब इसमें मैं सारी चीज़ें डाल के कुकर में गोश्त, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इमली और मसाले सारे डाल के और इसको अब हमें कुक करना होगा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और 20-25 मिनट के बाद फिर हम जो है इस कुकर को खोलेंगे। तो अब इसमें मैं मसाले डाल के सारे जो मैंने निकाले हुए हैं वो डाल रही हूँ मैं अब इसमें। और अब इसमें मैं पानी डालूँगी, पानी इतना डलेगा कि ये डूब जाए, इतना ना हो कि इसमें फिर बाद में जब हम इसको खोलें तो इसमें फिर ये अजीब चिपका चिपका सा रहे, इतना हो कि बस ये डूब जाए और ये गल जाए और ये खुश्क हो जाए। ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करिएगा क्योंकि फिर दाल नीचे से चिपक जाएगी। फिर इसको 20-25 मिनट के लिए प्रेशर दे लें और इसमें मैंने अब 4 टेबल स्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। साबित मैं इसलिए नहीं डालती, फिर वो सही से पिसते नहीं हैं। तो अब इसको प्रेशर दे लें आप, और अगर आप देगची में बना रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम देख लें जितना वो गोश्त गलने और दाल गलने में लगता है टाइम, और उसको फिर खुश्क करना होगा। इसको 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं और ये बहुत अच्छा गला गला सा सारा गोश्त और चने की दाल होती है। अब मैं इसको जब खोल रही हूँ तो ये देखें ये इस शक्ल में है, और इसको जलने नहीं देना है चने की दाल को, वरना फिर वो ज़ाया होगी, ज़ायका भी ख़राब हो जाएगा। अब इसको निकाल लें और इसमें से इमली के जितने बीज होंगे वो सब डिस्कार्ड कर दें, वरना वो पीसने में मसला करेंगे। अब डायरेक्ट इसको अंडे डाल के, मैंने 2 अंडे डाल के इसको पीसा है। अंडों से ये बड़ा अच्छा लेसी सा बन जाता है इसका टेक्सचर और अच्छा पिस जाती है। ये बोटी होती है चूँकि तो ज़रा मुश्किल होती है, तो इसको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है पिसने के लिए। अच्छा, आखिरी लॉट पे मैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के पीस लेती हूँ, तो वो सब सिमट के बाहर आ जाता है। फिर हम इसकी टिकिया बना लेते हैं, और टिकिया बना के आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर अब हम इसको तलते हैं, और मैं इसको घी में तल रही हूँ, तेल में भी अच्छे तले जाते हैं, मतलब घी का जायका ज़रा अच्छा लगता है। तो हमारे घर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंडे में लिपटे हुए पसंद करते हैं, तो मैं कुछ नहीं भी पसंद करते तो मैं दोनों तरह से बना रही हूँ, अंडा फेंट के, एक लपेट के और तल रही हूँ, और 2-3 मैंने वैसे भी बनाए बगैर लपेटे हुए। देखें अब ये कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, और इसको बटर नाइफ से टर्न करने से ये टूटते नहीं हैं। अब आप देखें इनकी शक्ल, ये बिल्कुल साबित साबित और स्टिफ्ट होते हैं, बड़े अंदर से जूसी भी होते हैं। तो अल्लाह करे कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।